में आज मैं आपके लिए लाया हूँ नई वीडियो अभी SSC जो फेज 7 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं ऑल आवर जोन के। तो शुरू करते हैं, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। अभी कुछ समय पहले इसके स्टेटस चेक करने के लिए दिखा रहा था, तो अब इसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं आज की डेट में। तो शुरू करते हैं, आपको कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा सा आप वीडियो के नीचे आएंगे, वीडियो को आप देखेंगे तो ये जो ऑफिशियल साइट है skyjail.com है, इस पर आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पर दिखा देगा आपका एडमिट कार्ड CR रीजन में, आपका CR रीजन का तो डाउन कर लेंगे, और अदर रीजन का है किसी और का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑल जोन्स आपको दिखाई देंगे, कौन से आपको जोन्स का है, NR का है, वेस्ट जोन का, MP का है, ER का है। तो इस पर लिंक सभी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मेरा NR जोन का है, वीडियो को फॉलो करते हुए आप ऐसे ही अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे SSC फेज 7 का, इस फेज 7 का है तो इस पर क्लिक करेंगे। जो NR जोन के हैं वो NR जोन पे ध्यान दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक नई टैब ओपन होगी और शुरू में ही आपको दिखाई देगा ये एडमिट कार्ड। अगर आप फोन के माध्यम से निकालना चाह रहे हैं तो फोन के माध्यम से भी आपके साइड में ये दिखा रहा है प्रवेश पत्र, आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में निकाल सकते हैं प्रवेश पत्र डाउनलोड, अगर इंग्लिश में निकालना है तो प्रवेश पत्र डाउनलोड में आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको शुरू में यहाँ पर दिखाई देगा रहा ये रहा एडमिट कार्ड 47 एडमिट कार्ड सेक्शन पोस्ट, तो आप क्लिक करेंगे। क्लिक के बाद आपको यहाँ पर टिक करना होगा आई एग्री पे और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट मत करने के बाद अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो डाल देंगे फादर नेम, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है खो गया है रोल नंबर आपको जो भी मिलेगा जो आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा, और आप किसी का तरीके से कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका नेम सबमिट फिल करते हैं, फादर नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ। ये नेम और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आप दिखाएगा सब्जेक्ट, आपको अपने हाई स्कूल से भरा है तो मेट्रिकुलेशन, और इंटर से भरा है तो उस पर क्लिक कर लेंगे, और ग्रेजुएशन भरा तो ग्रेजुएशन पर क्लिक कर लेंगे। जिसमें हाई स्कूल से क्लिक करा तो करेंगे और स्टेटस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नया वो टैब ओपन होगी एडमिट कार्ड की। जैसे भी आप इसके अंदर नाम डालोगे, नाम आपको फुल नेम डालना है, फादर नेम फुल नेम डालना है, और किसी किसी अलग साइड में जो आपकी टैब है अलग जोन में उसमें 4 डिजिट मांग रहा है इसमें नेम के अपने, तो आपको सर्च करना है आप नाम डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम डाल के आप कौन से आपने हाई स्कूल से फॉर्म फिल किया था 10th क्लास से या इंटर क्लास से, तो आपको सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एडमिट कार्ड शो करेगा, शो करने के बाद आपको नीचे आना है ये क्लिक टू प्रिंट आउट डुप्लीकेट, इस पर एडमिट कार्ड क्लिक करना है। क्लिक आपको यहाँ पर आने के बाद आपको एडमिट कार्ड शो करने लगेगा, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप उनको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप किसी प्रकार की पसंद है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद है तो। धन्यवाद दोस्तों।